सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। इट्स अभी बोनसाई हियर। सो गाइज, आप देख रहे हो मेरे सामने, ये है एक मलबेरी का बोनसाई जो मैं ज़मीन में ट्रेन कर रहा हूँ पिछले एक साल के अंदर। सो गाइज, इसका मैंने पिछली बार बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं इसको डिफोलिएट कर रहा था और ऊपर से इसको कट करके शेप देने की कोशिश कर रहा था। सो गाइज, उसके ग्रोथ बढ़ गए थे। आज भी मैं इसको डिफोलिएट ही कर रहा था तो छोटे छोटे पत्ते मैंने रख दिए हैं, बड़े सारे पत्ते मैंने काट के अलग कर दिया है। बट यहाँ पर गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अब इसको बेंडिंग की ज़रूरत है। जी हाँ गाइज, यहाँ से इस वाले ब्रांच को थोड़ा बेंड करने की ज़रूरत है यहाँ से, और ये वाले ब्रांच को यहाँ से थोड़ा बेंड करने का ज़रूरत है। तो गाइज़ वही आज करना पड़ेगा। तो डिफोलिएशन मैंने कर लिया है, अनवांटेड ब्रांच भी मैंने उड़ा दिया है, नीचे से मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया है। अब हम लेंगे वायर। सो गाइज़ वायर मेरे पास थोड़ा पुराना वाला है, बट कुछ नहीं, हम इसको बस बेंड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। जो चलेगा स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं एक लमसम साइज़ का वायर ले लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जितना मुझे इसको बेंड करना है, यहाँ पे रूट से लेके जहाँ पे मैं इसको बांधूँगा इसके अंदर मैं इसको डालूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा क्लोजली, और इतने हाइट के बाद भी मैं इसको घुमा दूँगा। सो गाइज़ चलिए हम पहले रूट के अंदर इसके वायर को डाल देते हैं। गाइज़ मैं आपको क्लोजअप से दिखा देता हूँ, ये देखिए थोड़ा रूट इसका एक्सपोज हुआ है तो उसके अंदर से मैंने वायर को निकाला हुआ है। तो गाइस यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं और बाकी का जो है ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रूट्स को ज़्यादा हम डैमेज नहीं करेंगे। सो गाइस, हमने वायर को पीछे से ले लिया है, अब हम इस ब्रांच को बेंड करेंगे थोड़ा सा। मैं ज़्यादा बेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी एक मैच्योर ब्रांच नहीं रहा। तो गाइज़ आप देख सकते हो पहले से ही इस ब्रांच को हमने थोड़ा बेंड किया है। अब इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे, बस इससे ज़्यादा हम इसको बेंड नहीं करेंगे, और वायर को हम टर्न करके लॉक कर देंगे दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, बस। तो गाइज़ आप देख सकते हो पहले का हमारा जो ब्रांच था वो थोड़ा ऊपर जैसा था, अभी थोड़ा नीचे आ गया है। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो इस वाले ब्रांच को भी और नीचे करेंगे या देखेंगे, डिपेंड करता है फ्यूचर पे। ये वाला जो गैप है ये भर जाएगा, यहाँ से कुछ ग्रोथ आ जाएंगे। ये मलबेरी का ट्री है तो कोई इशू नहीं है, इसके ग्रोथ हर जगह से होते रहते हैं। तो चलेगा जब हम लोग इस साइड वाले ब्रांच को बेंड करने की कोशिश करते हैं। वापस हम लोग एक लमसम साइज़ ले लेंगे यहाँ से। इसके यहाँ से वापस एक रूट है जहाँ से हम लोग इसको अंदर डालेंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका रूट एक्सपोज हुआ है, उसके अंदर से हम थोड़ा ले लेंगे। अब हमें देखना है हमारा ब्रांच कहाँ से बेंड हो सकता है। ये वाला ब्रांच थोड़ा मोटा है बट हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा बेंड हो जाए अच्छे से। हम लोग नीचे से पहले लॉक कर देते हैं। तो गाइस थोड़ा सा और बेंड करना है इसको, उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। सो गाइस हो गया है हमारा बेंडिंग आज का रेडी। आप यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हो गाइस, पहले कैसे था और अभी कैसा है। इस वाले बेंड की वजह से इसका
और भी ज़्यादा रेमिफिकेशन खुल के आ जाएगा, और जिसकी वजह से ये अगर जब फ्यूचर में इसके पत्ते आएंगे और भी ज़्यादा घना दिखेगा और भी ज़्यादा परमानेंट लुक आएगा इसका। सो गाइज ये है इसका लुक और ये है इसका रूट जो यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है। ये हम फ्यूचर में काट देंगे, अभी नहीं काटेंगे बट हम इसको मॉनसून सीजन में काटेंगे या जब हम इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तब इसको काट देंगे। तब तक के लिए इसके ट्रंक को मोटे होने देना है, तब तक के लिए हमें इसको ज़मीन में ही रखेंगे और ऐसे ही ट्रेन करते रहेंगे। फ्यूचर में इसको वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो हम देख लेंगे गाइज। अभी पड़ी है, मुझे लगा था कि वायरिंग मैं नहीं करूँगा बट गाइज वायरिंग की ज़रूरत पड़ गई तो हमने कर दी, और फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे हमारा फैमिली ग्रो होता रहेगा, ऐसे हम बहुत ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे। टिल देन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।